मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि नया मियां ढेर प्याज लोग खाते हैं। टीएमसी आज पूरे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए अभिशाप हो गया है, जो एक अपराधी को बचाने में ममता जी की सरकार की पूरी ताकत लग गई। ये इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है शाहजहां के केस में, कि किसको छिपाएंगे। आज अपराध की दुनिया में बंगाल सबसे आगे है। आज वहाँ जो आबादी है, बहुसंख्यक आबादी, वो भी डरी हुई है इनके तुष्टीकरण के लिए। वहाँ से लोग भाग रहे हैं। हिंदू अब उनके डर से, इनके व्यवहार से छोड़ रहे हैं बंगाल, क्योंकि ये बंगाल को रेड कार्पेट बिछा दिया है, रोहिंग्या हो या और घुसपैठिए हो। तो जो सरकार एक अपराधी शाहजहां को तुष्टीकरण के तहत बचाने में पूरी ताकत लगा दे, जो रोहिंग्या के लिए रेड कार्पेट बिछाए, तो स्वाभाविक है वहां का वातावरण जो होगा वो डरावनी होगा। आज बंगाल डरा रहा है वहां के हिंदुओं को। देखिए, तेजस्वी यादव जैसे दूसरे के काम को अपना गिनाने में लगे हुए हैं, हमने नौकरी दी, अपना विभाग का तो नौकरी बता नहीं रहे हैं, और नीतीश कुमार के काम को कह रहे हैं हमने नौकरियां दे दी। तो जो जैसा करता है उसको वही दिखता है। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी, इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया कह रहा है कि नरेंद्र मोदी के कारण देश की इकोनॉमी, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड, पानी, जहाज, आज 74 एयरपोर्ट था, 150 एयरपोर्ट हो गया, ये रैपर है। आज सड़क बन रही है, आज डबल लाइन हो रहा है, आज जितने डीजल की गाड़ियां थी उनको खत्म किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी विकास को उन ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। अगर एक तरफ चंद्रमा पर चंद्रयान ले जा रहे हैं, तो दूसरे तरफ 50,000 ग्राम पंचायत भी बना रहे हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि लालू जी को सिखा दे कि क्या बात बोलनी चाहिए, क्या बात नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार और गालियां, माता को, माँ को गाली, पिताजी को गाली, खुद उनको गालियां, इतनी गालियां दी है लोगों ने, जितनी गालियां देते हैं, चाहे लालू जी गाली दे चाहे कांग्रेस गाली दे, जनता उतना ही अधिक प्यार दे करके फिर 400 के पार लाएगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी बात को कहने में कोई अर्थ नहीं दिखता है। कांग्रेस पार्टी आज तक तो कुछ की नहीं। प्रधानमंत्री ने राखी दिवस के अवसर, राखी के अवसर पर भी दीदियों को, बहनों को छूट दी थी, और आज भी महिला दिवस है, इस पर एक तोहफा के रूप में राखी के समय दी प्रधानमंत्री ने, और फिर आज महिला दिवस के रूप में देनी चाहिए, और प्रधानमंत्री ने दिया है, क्योंकि ये आधी आबादी ही नहीं है, बल्कि हमारे नज़र में ये घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी को उपहार देना हमारा कर्तव्य है।